और दोस्तों मैं पहला इंसान हूं जो अपने गांव में यूट्यूब से पैसा अर्निंग किया हूं। सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने जो इतने दिन अपने यूट्यूब चैनल पर इतनी मेहनत किया था, मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरे लिए खुशी का दिन क्यों है, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट था वो आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है और ये फर्स्ट पेमेंट के लिए मेरे को कितनी दिक्कतें हुई, कितनी प्रॉब्लम हुई, मेरे को क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए मेरा जो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट है वो आ गया है और कितना आया है मैं आपको इसके एंडिंग में बताऊंगा कि कितना पेमेंट आया है मेरा। मेरा जो पेमेंट आया था वो पिछले महीने में 28 तारीख को आ गया था, लेकिन मैंने जो पेमेंट निकाला नहीं था क्योंकि जो मेरा बैंक था SBI का बैंक, उसमें पेमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मेरा बैंक खाता है वो जीरो बैलेंस का है और जीरो बैलेंस में US करेंसी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने एक नया अकाउंट खुलाया था जो मैं आपको बताऊंगा कि वो अकाउंट क्या है। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे को अपने छिंदवाड़ा में जो बैंक है SBI, उसमें वहाँ पे गया था और वहाँ के मैनेजर से मैंने बात करा था कि सर मेरा पेमेंट आया है यूट्यूब से, तो मेरे को वहाँ का शिफ्ट कोड चाहिए था। तो मैंने मैनेजर से बात करा था तो बोले यहाँ पे यहाँ का शिफ्ट कोड नहीं है, मैं और दूसरे बैंक में गया वहाँ पे। तो मैं सेंट्रल बैंक गया और मैंने वहाँ पूछा कि सर मुझे शिफ्ट कोड चाहिए था। उन्होंने बोला कि आपको शिफ्ट कोड क्यों चाहिए, तो मैंने बोला जो मेरा US डॉलर आया है मैं उसको अपने इंडियन करेंसी में बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को अकाउंट की ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ पे बोला तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारा शिफ्ट कोड नहीं है। और फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे बैंक में गया जो अपने छिंदवाड़ा में ही है, वहाँ के मैनेजर से मैंने बात करा कि सर मुझे यहाँ का शिफ्ट कोड चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि आपको शिफ्ट कोड क्यों चाहिए, तो मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसके ज़रिए मैं अर्निंग करता हूँ। तो ठीक है, बोले हम दे देते हैं। तो वहाँ के मैनेजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे शिफ्ट कोड दे दिया और उसके ज़रिए मेरा ये जो फर्स्ट पेमेंट है ये मेरे हाथ में है आज और मेरे पास आ गया है। और दोस्तों, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करा हूँ और मैं अभी और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी मेरी सेकंड पेमेंट भी आ जाएगी। और दोस्तों, ये मैं जो अपनी जो फर्स्ट पेमेंट आई है इसका मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है वो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा, जो बहुत खुश हो जाएंगे मेरी पेमेंट देखकर। वो अपने जब मैं उनके हाथ में दूंगा अपनी फर्स्ट पेमेंट, तो बहुत खुश होंगे कि मेरे लड़के ने पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे को इतना पेमेंट दिया है, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनकी खुशी के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और दोस्तों, थैंक यू, ये मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आ गया है आपके सपोर्ट से ही मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है दोस्तों। और पिछले महीने जब मेरा फर्स्ट पेमेंट गूगल एडसेंस में आ गया था तो मुझे शिफ्ट कोड की ज़रूरत थी। जब मेरे को वहाँ से बैंक से शिफ्ट कोड मिल गया था तो वहाँ पे मैंने जब अपने एडसेंस में शिफ्ट कोड डाला था, उसके बाद ही मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में 28 तारीख को आ गया था पिछले महीने में। और दोस्तों, मेरे पास ATM भी नहीं था तो मैं सबसे पहले बैंक गया, बैंक में ATM अर्जी करा और वहाँ पे फिर मेरे को ATM आने में हफ्ते भर लग गए। और जैसे ही मेरे पास ATM आया और फिर मैंने ATM में गया और ATM में जाकर मैंने अपना पेमेंट निकाला और आपको मैंने दिखा दिया हूँ कि मेरा जो पेमेंट आया है यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट जो आया मैंने आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों। और इसके बारे में अभी बताऊँगा आपको कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है। और दोस्तों, मैं पूरा पूरा तो बता नहीं सकता कि मेरा पेमेंट कितना आया है, सो दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है अगर मैं पूरा पूरा बताऊँगा तो। दोस्तों, आप मेरी जो हाथों की उंगलियाँ है ना और मेरी पैरों की उंगलियाँ है ना, उन सबको मिला के जितना होता है ना, आप दिमाग लगा लीजिए कि कितना पेमेंट हो सकता है। तो इतना पेमेंट आया है मेरा तो मैंने आपको बता दिया हूँ, क्योंकि मैं पूरा पूरा बता नहीं सकता, एकदम खुला खुला बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ। आपने मेरा बहुत सपोर्ट करा। और दोस्तों, अगर आपको भी बहुत मुसीबत आती है फर्स्ट पेमेंट के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको भी पता होगा कि फ़र्स्ट पेमेंट पाने में कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं एक गांव से हूं तो आपको तो पता होगा कि गांव में ये सब नहीं होता है। और दोस्तों, मैं पहला इंसान हूं जो अपने गांव में यूट्यूब से पैसा अर्निंग किया हूं।
तो मैं आपको पूरा खुला खुला तो बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत आई है, क्योंकि मैं एक गाँव का बंदा हूँ, तो मुझे इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं है कि गाँव में ये सब, और गाँव में ATM हो, बैंक हो, ये सब की फैसिलिटी तो होती नहीं है दोस्तों। तो मेरे को छिंदवाड़ा से जाने आने में बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी लगता है आपको पता है, और वीडियो बनाने के लिए पेट्रोल का खर्चा, और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए, तो उसका खर्चा, ये सब करने के लिए तो कोई पैसा देता नहीं है कि आप पैसे ले लो, आप वीडियो बनाओ, ये सब तो कोई करता नहीं, अपने पास का करना पड़ता है। तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई है। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और अब मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा, बहुत सी अच्छे अच्छे जगह जाऊँगा जो मेरी पेमेंट आ रही है दोस्त, तो उसके ज़रिए मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई थी, और मैं आपको वो बैंक के बारे में बताऊँगा जो मेरी पेमेंट आई है, और ये बैंक है यूनियन बैंक, जहाँ से मेरे को पेमेंट मिला है, उस बैंक के द्वारा मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, और मैंने उसके द्वारा अपने पैसे निकाल के लाया था, तो मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑल पर जाके सेट कर देना, ताकि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।